नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं किचन में छुपा है अरबपति बनने का राज। रसोई में तवे को ऐसे रखें आप। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है, अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं आपकी किस्मत के बंद दरवाजे। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं तो मान कर चले कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं यह तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। आइए जानें आपके काम की ये 12 बातें। जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिलाओ, यानी हल्दी या मिर्च ना मिली हो। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसे जगह रख दें जहाँ से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वो दिखे नहीं, यानी उसे अलमारी में रखें, खुले में नहीं। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। कभी भी खाना बनने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर ना रखें। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें, इससे होने वाली छन की आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का शोर पैदा कर सकती है। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रख दें, इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ों से ना खुरचें, हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीज़ें बहुत ही सम्मान योग्य है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।